माता बनने की इच्छुक या मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादम्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। प्रिय बेटा, मेरे अंदर तुम्हारे होने का एहसास मुझे बेहद आनंदित कर देता है। हमारी गर्भ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और खुशी की बात तो यह है कि तुम्हारे पापा और घर के सभी सदस्य भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से कोई भी घर के बाहर नहीं जा सकता, इसलिए यह परिस्थिति मजबूरी समान है, परंतु हमारे लिए तो यह एक श्रेष्ठ अवसर बन गया है, क्योंकि अब हम गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन की सभी एक्टिविटी जैसे कि प्रार्थना, गर्भ संवाद, श्लोक, योगा, मेडिटेशन, कहानी, पहेलियाँ, सभी एक्टिविटी पापा और घर के सभी सदस्य साथ में मिलकर कर रहे हैं, और बाहर का खाना पीना तो बिल्कुल बंद हो गया है। घर पर बना शुद्ध और सात्विक आहार ही ले रहे हैं। पूरे दिन घर के सभी सदस्यों के साथ हंसी मजाक, अलग अलग गेम्स, समूह भोजन, समूह प्रार्थना करने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी विश्व भर में कोरोना वायरस की वजह से चिंताग्रस्त परिस्थिति है, परंतु मैं चिंता में नहीं, तेरे श्रेष्ठ विकास के चिंतन में हूँ। बेटा, तू इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मेरे गर्भ में है, जहाँ तुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक तकलीफ ना पहुँचे, इस बात का मैं पूरे पूरा ध्यान रखती हूँ। तेरे श्रेष्ठ विकास के लिए दिन भर अलग अलग प्रक्रियाओं में व्यस्त और मस्त रहती हूँ। और हाँ, घर के बाहर न निकलना, बार बार हाथ धोना जैसी सभी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखती हूँ। चल बेटा, हमारी ये 9 महीने की यात्रा खूब शांतिदायक, आनंदमय और संस्कारयुक्त रहे, तथा पूरे विश्व को कोरोना वायरस की इस महातकलीफ से जल्द ही मुक्ति मिल जाए, ऐसी हम साथ में मिलकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कश्चित दुख भाग भवेत। ओ